हाय दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस्ड एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं डेटा क्रिएशंस के ऊपर, डेटा क्लीन करने के ऊपर। जब डेटा हमारे पास कहीं से आता है लेकिन वो डेटा फॉर्मेट में नहीं होता है, तो उसको हम डेटा फॉर्मेट में कैसे करेंगे, जो कि मैनुअल वर्क है उसको ऑटोमेट कैसे करेंगे। तो इसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा जो एक्सेल से हम करेंगे, दूसरा पार्ट वीवीए से करेंगे। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक्सेल पार्ट हम कैसे करें, एक्सेल फॉर्मूले से कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या है। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूं और ये रहा हमारा एक्सेल सी। तो बेसिकली हालांकि जो रियल टाइम जो प्रॉब्लम आया था, जी रियल टाइम प्रॉब्लम मुझे एक कंपनी ने भेजा था, लेकिन क्या है ना कि मैं आपको डेटा शेयर नहीं कर सकता। वो कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी है कि डेटा पब्लिक नहीं होना चाहिए। मैं 45 से ऊपर कंपनियों के लिए काम करता हूँ, उनकी रिपोर्ट को, क्रिटिकल रिपोर्ट को भी ऑटोमेट करता हूँ ट्रेनिंग के साथ साथ। तो आपके सामने जो आया हुआ है तो इस तरह का पीडीएफ फॉर्मेट था, जिसमें कॉलन ए में डेट थी, कॉलन बी में नेम थे और अमाउंट क्रेडिट है या डेबिट है उसका यहाँ पर नरेशन था, और इसके साथ और भी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन फिलहाल मत में क्रेडिट या डेबिट था। उसके बाद यहाँ पे जो था अमाउंट दी हुई थी, जो अमाउंट है वो अमाउंट दिया हुआ था एफ कॉलन। लेकिन क्या था कि इसके बीच में गैप थे और भी बहुत सारे चीजें थी जो कि अननेसेसरी था। एक पूरा पूरा स्टेटमेंट जिसे बैंक से कैसे आता है उस तरह का था। तो जो एक्चुअली में मुझे चाहिए था इस तरह के फॉर्मेट में, जहां पे हम अपने डेटा के ऊपर किसी भी तरह का ये कर सके, एनालिसिस कर सके वगैरह वगैरह। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि किस तरह से ये जो इस तरह का डेटा इस तरह के डेटा में कन्वर्ट होगा, जिससे हम टोटलिंग कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अगर प्रॉब्लम अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज आपको हमेशा मिलते हैं। मैं डेली 10 से 15 इसी तरह के टॉपिक्स यूट्यूब पे डालता हूँ। अभी तक मेरे जो चैनल है उस पे 5,000 के आसपास वीडियोज हो चुके हैं। मैं यहाँ पे प्लस साइन लगाता हूँ, एक कॉलम इंसर्ट करूंगा और यहाँ में हम सीरियल नंबर इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि कॉलम बी जो है उसमें सिर्फ डेट ही है, तो मुझे उतना ही सीरियल नंबर जनरेट करना है जितना इसके अंदर डेट है, और डेट रिपीटेड भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि इफ ऊपर वाले में +1 करने पे अगर इज ग्रेटर देन काउंट ए, हम यहां से ले लिया, देन ब्लैंक, अदरवाइज ऊपर वाले में +1 करें, तो ये आपका ही सीरियल नंबर जनरेट होगा जितना कि हमारा डेट है। बाकी नीचे एरर आएगा क्योंकि टेक्स्ट में +1 नहीं हो सकता। ये जो ब्लैंक है वो टेक्स्ट है, इसे +1 नहीं हो सकता, ऊपर जो ब्लैंक दिख रहा है। तो इसको हम इफ एरर से हटा देते हैं। इफ एरर लगा दिया और इफ एरर से हमने हटा दिया, तो हमने उतना ही सीरियल जनरेट कर लिया जितना मुझे चाहिए। ये जनरली मैं अपने इफ की क्लासेस में बच्चों को शो कर बताता हूँ। एक बार देख लीजिए फॉर्मूला कि इफ K2+1 अगर ग्रेटर देन है कॉलन ए के जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज K2 में +1 कर दो। अगर ये फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला अगर एरर देता है तो इफ एरर इसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया तो आपको जरूरत है मेरे इफ कंडीशंस की जो फॉर्मूले की क्लास है उसको देखने के लिए। आप इफ फॉर्मूला IPT इंडिया यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मेरे चैनल की वीडियो आ जाएगा। अब सेम थिंग हम यहां करने जा रहे हैं कि हम यहाँ
काउंट इफ लगाते हैं। काउंट इफ नहीं, काउंट इफ नहीं, क्योंकि मुझे यहां डेट नहीं, यहां सीक्वेंस चाहिए। तो मैं यहां पे लगाऊं, मैं मैन्युअली यहां पे लगाऊंगा फॉर्मूला कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, देन 0 है, या यहां पे ऐसा हो सकता है कि इस डेट का कुछ और भी नरेशन हो सकता है। ग्रेटर देन 0 है, क्या करते हैं, तो हमने फॉर्मूला लगाया मैक्स का, मैक्स हमने इसको सिलेक्ट कर लिया प्लस 1। A2 को फ्रीज कर देते हैं। अब इसे क्या होगा कि जितने भी डेट है सबके सबके यहां पे सीक्वेंस नंबर शो हो जाएगा, जितने भी डेट होंगे सबके सीक्वेंस नंबर शो हो जाएगा, जहां डेट नहीं होगा वहां कोई सीक्वेंस नहीं शो होगा। तो मैंने क्या किया, हमने सिंपल से बताया कि अगली वाली कॉलम B4 में अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके ऊपर से जितने भी नंबर है सबकी मैक्सिमम निकाले और उसमें प्लस 1 कर दे। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसने निकाला तो इसकी मैक्सिमम 1 निकला, 1 प्लस 1 कर दिया 2 हो गया, तो जितने भी डेट यहाँ पे आ गया सीक्वेंस नंबर आ गया। तो अब यहां मैं सिंपल वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट किया और फिर उसके जस्ट सामने हमारी कॉमा 2,0, एक हमारा निकल गया डेट, कि जितने भी इसमें भी इफ एरर लगा देता हूँ कि नीचे सीरियल नंबर खत्म होंगे तो नहीं दिखेगा यहाँ पे ब्लैंक। डेट तो आ गई हमारी, अब प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो मुझे लुकअप ब्लैंक को रीड कर लिया, डेट आ गई। अब प्रॉब्लम आती है कि पूजा नेम जो है इसके नीचे, पूजा नेम इसके नीचे है, तो क्या करें नेम के लिए, तो मैंने यहां पे लगाया फॉर्मूला मैच का, मैच हमने इसमें को सिलेक्ट किया और हमने सेम इसमें गया और कॉमा 0। तो मैच फॉर्मूले में बताया कि भाई चौथे नंबर रो है, उसके बाद फिर हम यहां इंडेक्स फॉर्मूला लगाएंगे। इंडेक्स फॉर्मूले में हम डेटा इसको सेलेक्ट कर लेंगे और हम बोलेंगे रो नंबर मैच प्लस 1 देते हैं। तो अब इसको हम आगे बढ़ने से पहले इफ एरर का फॉर्मूला लगा दें और इसको भी नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। डेबिट क्रेडिट कैसे आएगा, सेम हम यहां इसी फॉर्मूले को हम यहां पे नहीं, हाँ इसी में पेस्ट करता हूं पहले। इसमें इस ये फॉर्मूला डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होगा, जी हाँ थोड़ा सा बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि मुझे प्लस यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, इससे पता चलेगा कि डेबिट है या क्रेडिट है। तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि इफ अगर ए इक्वल टू सी आर है, इक्वल टू नहीं, इसमें ऐसा हो सकता है कि डेबिट क्रेडिटेड बाय मनोज ऐसे भी हो सकता है ना, लेकिन पहला वर्ड सी आर होगा, क्रेडिटेड मनोज आ गया, तो मुझे इसमें फॉर्मूला इसमें जो है लेफ्ट, यहां पे मैं 1 मिनट यहां पे मुझे लेफ्ट का फॉर्मूला लगाना होगा।
लेफ्ट से दो लेटर अलग करना होगा। दो वो प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसका दो लीटर इसने अलग कर दिया। अब यहां पे हम देंगे कि इफ अगर ये पूरा का पूरा इक्वल टू जो हेडिंग है, अगर हेडिंग है तो इसमें हम पूरा फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं, इसके ऊपर पेस्ट करते हैं और ये जो हमारा सी वाई सी है इसके जगह पे हम जी वाई जी ले लेते हैं। इस फॉर्मूले को हमें इस नीचे ड्रैग करना है, तो ये जो हमारा n1 है इसको फिनिश कर देता हूं और यहां फॉल्स आया हुआ है तो यहां पे मुझे जीरो करना है। फिर इसको कॉपी करते हैं और यहां पे हम इसको n1 के जगह पे o1 हो जाएगा। और हम यहां पे जीरो दे रखे हैं तो जीरो के जगह पे हम ब्लैंक दे देते हैं। और टोटल वगैरह भी हम आगे चल के इसमें लगा सकते हैं, वो हम आपको अगली वीडियो बताएंगे कि एक ही वीडियो में काफी ज्यादा लंबी हो जाएगा। इस पे कंडीशन फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं कि उतना ये एरिया फॉर्मेट हो, जितना डेटा हो, वगैरह किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक नाम और हम ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए हम 2 तारीख देते हैं, 2 तारीख दे दिए और इस पे नाम दे देता हूँ ओम। यहाँ पे अमाउंट दे दिया हमने 6000 देता हूं क्रिएटेड दिस इज द एडवांस एक्सेल। तो एडवांस एक्सेल का यूज हम इसी तरीके से करते हैं कि एडवांस एक्सेल आखिर होता क्या है। तो मेरी क्लासेस में आपको यही सिखाई जाती है। तो मेरी क्लासेस कैसे ले सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो आप जूम सेशन के जरिए लाइव इंटरैक्टिव 1-to-1 मेरी क्लास ले सकते हैं। जी हाँ, लाइव इंटरैक्टिव 1-to-1 हर एक चीज हम आपको ऐसे ही करके समझाएंगे, आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे संडे हम आपके साथ 1 या 2 घंटा कनेक्ट होंगे। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए एंड डेमो क्लास का फॉर्म भर दीजिए, 1-2 क्लास डेमो लीजिए, अच्छा लगा तो एनरोल कर सकते हैं हमारी क्लासेस को, फीस वगैरह सब वहीं पर आपको दिख जाएगा। दूसरा है मेरा मोबाइल ऐप। जी हाँ, मेरा मोबाइल ऐप, आप मेरे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे डाउनलोड, तो अगर ऐसे डाउनलोडिंग लिंक जो है आपको मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, लेकिन फिर भी अगर आप सिस्टम पे देख रहे हैं तो आपको सर्च करना है
एक्सल एम आई एस ट्रेनिंग, जी हाँ एक्सल एम आई एस ट्रेनिंग आप सर्च करेंगे अपने प्ले स्टोर में तो सबसे पहला जो आएगा वो मेरा ही ऐप आएगा। इस ऐप को कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर स्टोर सेक्शंस में मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब बोलेंगे कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो मैं इसका हालांकि वेब व्यू आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं मेरे। जी हाँ स्टोर सेक्शन में जाते हैं तो आपको यहां पे मेरे कोर्सेज दिखेंगे। एसक्यूएल सर्वर का है, आपको एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला है, अभी जो चीजें बताई आपको एक्सेल के थ्रू फॉर्मूले के थ्रू, ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहां पे मिल जाएगा। पावर बी आई सीखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कंप्लीट, जैसे आप कंप्लीट की बात करते हैं यहाँ पे, तो कंप्लीट यहाँ पे आपके सामने एक्सेल VBA एक्सेस SQL कंप्लीट कोर्स है MIS की। इसमें आप देखेंगे तो 290 वीडियोज है, जी हाँ 289 एक वीडियो यहाँ 290 वीडियोज है। इसकी कंटेंट में जाएंगे तो यहाँ PDF कॉपी है जहां से आप देख सकते हैं, वीडियो कॉपी है जहां आप देख सकते हैं। उसके बाद यहां अगर हम बात करते हैं कंप्लीट की, तो इसमें एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला है, एक्सेल बीवीएमआई पर प्रोग्रामिंग है, एमएस एक्सेल डेटाबेस है, सीक्वल सर्वर है। अगर बात करें तो ये पूरा सीक्वेंस है। जब हम एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूले की बात करें तो इसमें ये तो आपका ए है कोर्स इंट्रोडक्शन वगैरह है, और यहाँ आप देखते हैं 113 वीडियो है इसके मेनू वाइज। आप फाइल मेनू में देखिए फाइल मेनू की वीडियो दी जाएगी आपको, उसी तरीके से आप होम मेनू में देखें तो होम मेनू की वीडियो दी जाएगी आपको, उसी तरीके से आप यहाँ इंसर्ट मेनू वाले में देखें तो इंसर्ट मेनू वाले की वीडियो दी जाएगी आपको, और इंसर्ट मेनू वाले में पिवट टेबल की 8 वीडियो है, ऐसी चार्ट के 3 वीडियोज हैं, ऐसे आप यहाँ पे अपने वीडियोज देख सकते हैं। और मेनू वाइज वाई है, और यहाँ पे डैशबोर्ड यहाँ पे देखिए, और अपडेट भी होते हैं, 7 वीडियो देखिए यहाँ पे अपडेटेड हुए हैं, तो यहाँ पे आपको वीडियोज अपडेट भी होते रहते हैं। जी हाँ नए नए वीडियो इसमें डलते रहते हैं, तो यहाँ से इस वीडियो को इस पूरी कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसकी प्राइस 4000 आपको दिख रही है, बट इसके डिस्काउंटेड भी चलते रहते हैं, तो आप लेने से पहले एक बार मुझे बताएंगे तो अगर डिस्काउंट होगा कुछ कूपन वगैरह होंगे तो हम आपको दे देंगे इस पे। और आप चाहते नहीं नहीं मुझे इतना लंबा, क्योंकि ये जो आपको बताया मैंने एक्सेल बीवीए दोनों जो बताया 4000 में, जो कि आपका 150 आवर्स पूरी डिटेलिंग में पढ़ाया गया है, बट आप चाहते हैं कि नहीं मैं इंटरव्यू की कंडक्ट करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जल्दी 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 चीजें जो मेन चीजें हैं सीख लूँ, तो आप और मेरे पास उतना बजट भी नहीं है 4000 का, तो ये मेरा मात्र 600 रुपये के अंदर में आप परचेज कर सकते हैं हमारा ये फास्ट ट्रैक कोर्स एक्सेल और वीवीए दोनों। जी हाँ एक्सेल एंड वीवीए दोनों आप देख सकते हैं ले सकते हैं। अगर इसकी कंटेंट पे जाए तो इसकी 2 वीडियोज हैं, दोनों सेम ही है, ये आपका 2007 पे है, ये आपका 2019 पे है। 5 आवर्स की वीडियोज आपके सामने दिख रही है, आप इसको देख लीजिए, किसी भी इंटरव्यू को आप क्रैक कर सकेंगे इस वीडियो के जरिए। जी हाँ किसी भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मोस्टली सवाल मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं जो कि एडवांस एक्सेल से पूछे जाते हैं, या फिर एक ऑफिस में काम करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे रखी हुई है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो अब हमारी क्लासेस लेना चाहे, हमारे ऐप पे वीडियो लेना चाहे ले सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे बने रहें। अगर फर्स्ट टाइम हमारी इस चैनल में आए हैं, हमारे पास्ट साल में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे मोर देन 5000 वीडियोज के आसपास हमने अपलोड किए हुए हैं, और डेली इस पे अपडेट होते जाता है, क्योंकि मैं हूं इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनर स्टार्टिंग फ्रॉम 2007। जी हाँ अभी लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए, बट मैंने 2007 में अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी जब इंडिया में 2G कनेक्शन भी ठीक से नहीं चलता था। 117 कंट्री में मैं पढ़ाता हूँ हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।